That means they are happy too, and they are right. Plant a tree here, plant a tree there. नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24/7। कहा जाता है कि भगवान एक बच्चे के दिमाग में बसते हैं, और ये बात आज साबित भी हुई जब एक 10 वर्षीय कवित्री गीत कौर कुंद्रा की अंग्रेजी में पहली कविता का साहित्यकार शिरोमणि मनमोहन सिंह दाओ ने मोहाली प्रेस क्लब में सार्वजनिक समर्पण किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री दाओ ने कहा कि एक कविता लिखना बहुत विकृत उपहार है, ये भगवान द्वारा दिया गया उपहार है। उन्होंने कहा कि पुस्तक का शीर्षक गार्डन ऑफ पोएम्स केवल किताब में अंकित कविताओं की सामग्री का वर्णन करता है। उन्होंने कहा कि लड़की और उसके माता पिता विदेश में भी रहते थे। उन्होंने आग्रह किया कि इस कविता का पंजाबी में भी अनुवाद करें। उन्होंने भविष्य में लड़की को उच्च कैलिबर का कवि बनने का आशीर्वाद दिया। गीत कौर ने कहा कि वे कविता के साथ साथ गायिका भी बनना चाहती हैं, इसलिए उन्हें बुनियादी संगीत की शिक्षा भी मिल रही है। आइए आपको दिखाते हैं सुपर न्यूज 24/7 मोहाली से रितिश कुमार की रिपोर्ट। उम्र के जी किताब लिखी है, अंग्रेजी कवितावान लिखा है, अपने आप एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। मैं इस परिवार को, कुंद्रा परिवार को भी, इन्होंने माता पिता को भी बहुत बधाई देता हाँ कि इस बच्ची ने एक चंगे पास क्रिएटिव जोड़ा है काम सहित जरा काम क्रिएटिव वर्क जो है काम हमेशा व्डा काम होंगे जो क्रिएशन करनी है किसी भी खेत्र के बीच वो समाज के लिए वो एक नमूना पेश हों, समाज सेध मिलती। मैं देख रहा इस नजमा ने देख रहा मैं ट्रीज है, फादर है, रोज है, सिस्टर है, ये इन वजह स्टार ने यह जिड़िया नजमा इस बच्ची ने छोटी छोटिया लिखिया ने अंग्रेजी के। पहली गल तो है कि कविता लिखनी बहुत संवेदना का काम है, हर कोई कविता नहीं लिख सकता, तो ना कविता किसी को सिखाई जा सकती। कविता एक इलहाम है, तो साडा जिन्ना भी पुराना जोड़ा इतिहास है वह कविता च मिलता है, जो ग्रंथ मिलते हैं सब कविता च मिलते हैं। तो कविता जी है मनुख को बहुत संवेदनशील बनाती है, कविता बहुत सूक्ष्मता बनाती है, तो कविता का जोड़ा असर है वह दिल दिमाग से बड़ा सीधा पैंता है। तो इस बच्ची को मैं बहुत शाबाश दिना, बहुत अपने वालों गुड विशेज दिना, तो मैं आस करा कि आने वाले समय के बच्चे इस तरह दवितावान लिखती रहे। क्योंकि तो मैं जो मैं दसवीं जमात पढ़ता सगा, मैं उदो नौवीं जमात के गुरु नानक उत्ते कविता लिखी, मेरी 12-13 किताबा छप चुकी हैं, बहुत कम चलो हो चुके जानते तो सारे। पर मैं इस बच्ची की जी क्रिएटिविटी है कविता लिखण की जी मैं देख रहा शब्दावली, यदा रिदम, तो कविता का जो थॉट है बहुत अर्थ भरपूर है, क्योंकि अज के समय के इस तरह दवितावान की बड़ी लड़ है, ताकि जी जिंदगी है सुखामी बन सके। मैं इस गल की थोड़ी जी माफ़ी चाहना, क्योंकि कोरोना होने करके, कोरोना महामारी होने करके सू सारिया गलों का ख्याल रखते हो, पर मैं कहना इन्होंने समय के अजि कविता रीज करनी, यही किताब पढ़नी, ये साढ़े वास्ते मेरा ख्याल है कि मनुखों अंदरों सूखम बनाई कविता, मनुख के अंदरों जोड़े निर्मलता जी है वो कविता ना कविता निर्मल बनाती, किम सचियारा हुई है कि पूरे दूसरे पाल बाबा नानक ने ही करता। सो कविता वक्ते वक्त पढ़नी चाहिए। मैं लाल हरदयाल की जी किताब है हिंस फॉर सेल्फ कल्चर एक किताब लिखी बड़ी मशहूर है, वो कविता बड़े बहुत कहना रीड एज मच पोइट्री एज यू कैन इन योर ओन लैंग्वेज। कविता के बड़े लाल हरदयाल के इन्ने कमाल के कथन है जोड़े कि इन्नी बहुत पहला किताब से लिखी। तो मैं इस बच्ची इस क्रिएटिविटी से बहुत बहुत मुबारक दिना। तो मैं बेटा कितनी पोएम है इसमें? 30 पोएम सुना दो। ये है चैंपियन। नोबडी लिसन्स, ओनली द सन लिसन्स। यू कैन टेक मी डाउन, आई एम द क्वीन ऑफ द क्लाउड, बिकॉज आई एम अ चैंपियन। बट एनिमी से इट्स जस्ट ऑन फेथ, आई एम गोइंग टू वॉक माई ओन वे, आई एम गोइंग टू क्रॉस दीज ऑब्स्टिकल्स, I will do the impossible.
यू कैंट इग्नोर मी एंड व्हेन आई राइज बिफोर योर आईज यू विल सी व्हेन आई चैंपियन एंड आई। हां जी, हम बहुत प्राउड है अपनी डॉटर से, बहुत ये चीज़ों को क्लोजली ऑब्जर्व करती है और उनको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती है अपनी फीलिंग्स को, और कुछ ना कुछ करती रहती है, लिखती रहती है, और जब भी कोई पोएम इसकी बन के आती है ये हमें दिखाती है, मेरे को, मेरे हस्बैंड को, तो हम लोग एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा ऐसे थॉट्स भी कैरी करता अपने दिमाग में। तो इसके लिए इसको लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है, बट ये जब लिख के लाती है हमारे सामने तो हम लोग बेहद खुश होते हैं और बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तो इसको सिंगिंग का बहुत शौक है, जब ये पोएम लिखती है तो ये अक्सर हमें गा के सुनाती है, तो इसको इसको लगता है कि ये सॉन्ग है। तो मतलब वो ये अपनी पोएट्री को कैसे सिंगिंग के साथ कोरिलेट करती है, ये रियली सरप्राइज होता है। पढ़ाई में तो बहुत अच्छा कर रही है ये, और इसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, इसके कॉन्सेप्ट हर चीज़ को जब तक ये अच्छी तरह से समझ नहीं लेती है तब तक ये खुद ही आगे नहीं बढ़ती है। और इसको हम लोग म्यूज़िक क्लास, इसको गिटार सिखा रहे हैं फिलहाल, बाकी ये खुद ही यूट्यूब से देख के कुछ ना कुछ सीखती रहती है। आर्ट का इसको काफ़ी शौक है, एनिमेटेड ड्राइंग करती है, और सिंगिंग तो ये करती रहती है, काफ़ी सारी ऐप्स हैं जिसमें कैरियोके भी चलता है, और इस तरह के कुछ ना कुछ करती रहती है, मतलब शी कीप्स हरसेल्फ बिजी, क्योंकि इसको अच्छा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव करूँ। तो लगता है सारे बच्चे खुद ही काफ़ी टेक सेवी हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स तो हर किसी के पास नहीं है, और उस पर ही ऐप्स वगैरह होती हैं, तो बच्चों को इसको थोड़ा एक्सप्लोर करने का ज़्यादा शौक भी है। सो ये खुद ही एक्सप्लोर करती रहती है कि इसके इंटरेस्ट की कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे कि इसको आगे लाइफ में फ़ायदा हो सकता है, या मतलब ये खुद ही क्रिएटिविटी इसके अंदर है तो उसको उभारने की कोशिश करती है।